नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई बहन। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। यहाँ पर एक बड़ी खबर के साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से सुधांशु पटेल आ चुका है। आप सब वीडियो को फटाफट लाइक करिए। खबर आंगनबाड़ी बहनों आपके प्रमोशन से जुड़ी हुई है। जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन उत्तर प्रदेश में है, आप सब 2017 से जो प्रमोशन की राह में जो प्रक्रिया पूरी चल रही है अभी तक पूरी नहीं हो पाई, इसमें एक नया मोड़ आ रहा है। और ये जो आपका आदेश, इससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा हर एक आंगनबाड़ी बहन के यहाँ पर प्रमोशन होने में। तो आप सब जान लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए। इसकी सच्चाई हर किसी तक पहुंचनी भी जरूरी है। ये लेटर मेरे पास काफी बहनों ने भेजा है, जैसे गजला दीदी ने भेजा और भी बहनें उन्होंने भी भेजा, फेसबुक पर इधर उधर भी मैंने देखा। अब आपको बताना चाहेंगे, प्रेषक महावीर प्रसाद गौतम जी का उप सचिव है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, लेटर गया है निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश को। तो आपका लेटर 11 जून 2020 का। अब इस लेटर में क्या लिखा है आप लोग देखिए। ये लेटर यहां पर विरोध करने वाला है, उसका कारण मैं दूंगा और इससे सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा धक्का भी लगेगा। जो काम करती हैं उनको लगेगा, भले ये लेटर उन्हीं के लिए है, उन्हीं के फायदे के लिए है, लेकिन फिर भी यहां पर उसका कारण मैं बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुख्य सेविका के पद पर प्रतिचयन में अच्छे कार्य प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर वरीयता दिए जाने के संबंध में यह लेटर है। तो ऐसे में अंक आपको दिए जाएंगे यदि आपका कार्य अच्छा है उन बहनों को। अब इसकी पूरी जो गुत्थी है उसको मैं जो है समझाना है आप लोगों को, और आप लोगों को इसको समझना है। तो पहले हम उसको सुलझाते हैं, आपको समझाते हैं। यहां पर पहले इसे पढ़ लीजिए। लिखा है कि 7/3/2020 द्वारा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना, जिसको परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम बोला जा रहा है 2019 वाली, वो लागू की गई थी। तो 2019 में जो 1500 पैसा बढ़ा था वो आपका मानदेय नहीं था, आप सब जानते हो, प्रोत्साहन था। उसी के संबंध में कुछ शर्तें थी, यानी आंगनबाड़ी काम अच्छा करेंगी तो उनको पैसा 1500 मिलेगा। खैर, काम तो बहुत बहनों ने अच्छा किया, लेकिन सरकार ने उसके बदले अपना वादा पूरा नहीं किया, पैसे भी नहीं दिए। वो एक अलग मैटर है, लेकिन वही मैटर को सरकार यहां पर इस मैटर में भी जोड़ रही है आंगनबाड़ी के प्रमोशन में। कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम जो लागू हुई थी, उक्त प्रोत्साहन योजना क्रमशः 1 अक्टूबर 2018 एवं दिनांक 1 फरवरी 2019 से लागू है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। अब 18 की बात यूं है कि 18 में मोदी जी ने भी यही बातें घोषणा की थी, अब 19 में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा। आगे लिखा है कि उक्त के दृष्टिगत अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रोन्नति यानी प्रमोशन प्रतिचयन में वरीयता प्रदान करने के संबंध में सुस्पष्ट आख्या सहित प्रस्ताव है और संस्तुत शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो कहने का मतलब है, जिन बहनों का काम अच्छा है और वह प्रमोशन के दायरे में है तो उनको यहां पर ज्यादा वरीयता मिलेगी, अंक मिल सकते हैं। तो ऐसे में वरीयता उन्हीं को दी जाएगी जिनका काम अच्छा है, और जो आपकी योजना थी परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम 2019 वाली, उसी को देखते हुए सब कुछ किया जाएगा। अब समझना यह है, खुशी ये हो रही होगी कुछ बहनों की, चलो मुझे अंक मिल जाएंगे और मेरा इतना इतना सब हो जाएगा, मुझे वरीयता मिल जाएगी। लेकिन एक बात समझिए, पद तो गिने चुने हैं, याद रखना। वरीयता मिलने में भी दिक्कत यूं आएगी कि बहुत से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आप सब जानती हो कि अधिकारियों की और आंगनबाड़ी की क्या यहां पर कहानी है। जो बहनें काम करती हैं उनकी मैं कहानी की बात कर रहा हूं, उनकी सच्चाई, जो काम करती हैं उनकी और वहां के अधिकारियों की कभी भी एक जो जैसी पटरी नहीं खाती, क्योंकि जो गंदे कामों में लिप्त होंगे अधिकारियों के साथ में उन्हीं की पटरी खाती है, यानी कि उन्हीं का तालमेल अच्छा बैठता है, पोषाहार के पैसे पहुंचा देती है, एमपीआर के पैसे पहुंच जाते हैं या अन्य तरह से पैसे पहुंच जाते हैं, जो बांट करके खा रहे हैं उन्हीं लोगों को शायद उनके वहां के अधिकारी इस परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव के तौर पर यह भी लिख देंगे कि इनका कार्य अच्छा है, उनका कार्य अच्छा है। या यह भी कह सकते हैं कि बहुत से आंगनबाड़ी वर्कर को मोबाइल फोन दिया गया, अब कैसे पता लगाया जाएगा कि कौन सी आंगनबाड़ी ने काम अच्छा किया। तो जाहिर सी बात है, मोबाइल फोन पर जिन बहनों ने काम किया होगा, समय से काम किया होगा, उन्हीं का यहां पर डाटा जाएगा कि हां इनने काम सही से किया। समस्या अब यह भी है, काम कुछ ने किया होगा, काम बहुत सी बहनें जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनका आखिर क्या होगा, उनका भी तो सोचना चाहिए। बहुत सी जगह तो मोबाइल ही नहीं बांटे गए, या फिर जहां मोबाइल है उसमें रिचार्ज नहीं है। इसको चलो छोड़ दीजिए, बहनों ने रिचार्ज करवा रखा होगा क्योंकि दबाव बनता था, लेकिन बहुत सी आंगनबाड़ी है जो अभी तक जिनका फोन खराब था उन्होंने काम ऐसे ही किया, तो इन सबका क्या होगा। काम तो बहनों ने किया, लेकिन क्या सबको वरीयता अधिकारी वहां पर बराबर देंगे, या किसी के साथ भेदभाव भी करेंगे, या यूं कहें कि हो सकता है आगे पैसे की भी मांग उठे। अब क्योंकि विभाग इतना भ्रष्ट है, हर कोई जानता है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है और बात छिपी भी नहीं है, कदम
कदम कदम पर बाल विकास में भ्रष्टाचारी है। आए दिन पोषाहार के घोटाले पकड़े जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुर्सियों की बात करें, अभी 18 कुर्सी आंगनबाड़ी को दी गई है। सुबह का वीडियो आपने देखा, अभी हम आपको अगले थोड़ा दूर ले चलते हैं। यहां पर मेरे पास ये देख लीजिए लगी हुई है, स्टडी पी कुमार के नाम से कमेंट लगा है चैनल के सुबह के वीडियो में। जिला एटा के सकीट ब्लॉक है, वहां पर 24 कुर्सियां दी गई है, छोटी 24 कुर्सियां हैं, तो आप देख लीजिए बच्चों के लिए। दो बड़ी कुर्सियां भी मिली हैं, वो आंगनबाड़ी और सहायिका बहन के लिए होंगी, तो केवल कुर्सियां ही मिली हैं श्रीमान जी। तो चलो कुर्सियां ही मिली, लेकिन कुर्सियों की संख्या देखिए 24 है और छोटी दो बड़ी है, तो ये लाभार्थी के अनुसार कुर्सियां आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दो कुर्सियां, कहीं तीन कुर्सियां, कहीं कहीं चार चार कुर्सियां तक थमा दी गई। बाकी का क्या हुआ? बाकी का अधिकारी ने जो है डकार लिया होगा। तो ऐसे में आप जानते हो कि भ्रष्टाचारी तो हर जगह है बाल विकास में, तो हम कैसे भरोसा करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यहां पर हमारे बाल विकास के अधिकारी जो है वो उनको प्रमोशन के बदले में, यानी कि प्रमोशन की प्रक्रिया के लिए वरीयता देंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसके बारे में आप सबको सोचना है और अपने आप से जवाब ढूंढना है। ये रेणु तिवारी बहन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ कानपुर नगर, और अपने फेसबुक वगैरह में भी उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, एक और नया आदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका के पद पर प्रोत्साहन योजना अड़ंगा नजर आ रहा है। तो ये मेरी भी समझ में आ रहा है, ये अड़ंगा ही है, क्योंकि बहुत से आंगनबाड़ी के साथ भेदभाव होगा और अधिकारी भ्रष्टाचारी में हैं, ये पैसों की भी मांग करेंगे और उन्हीं को वरीयता दिलाएंगे, ये सब कुछ चलेगा। मेरे ख्याल से इसका भी विरोध होना चाहिए। रही बात 2017 के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रिटायर करने के लिए एक लेटर था 2012 का, उसका विरोध बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों को यदि देखा जाए तो आप लोगों को पूरी जानकारी में पहले से बता रखी है मैंने। अब प्रमोशन के बारे में आप लोगों को कई वीडियो मैंने समय समय पर बनाए हैं, कैसे क्या प्रमोशन होता है, कैसे अंक मिलते हैं, अब वो भी अंक मिलेंगे, साथ ही साथ आपका ये वरीयता के लिए भी बोला जा रहा है। तो ऐसे में यहां पर अब भ्रष्टाचारी का जो खेल है सुपरवाइजर प्रमोशन में, अब वो मुझे लगता है बढ़ने वाला है, क्योंकि यहां पर अधिकारियों के द्वारा इन चीजों में काफी जो है आंगनबाड़ियों को मानसिक तनाव मिलेगा, पैसों की मांग होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कहीं पर भी यदि गलत नजर आए, और क्योंकि कोई भी आंगनबाड़ी हो, अब खुद सोचिए ये भर्तियां कोर्ट जाएंगी क्यों? कारण है इसका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन यदि उनके ब्लॉक पर चार पांच हैं, और सब जानते हैं कौन बहन कितना काम करती है, ये आपके ब्लॉकों पर छिपा नहीं होगा कि कौन सी आंगनबाड़ी कितना काम करती है। और मान लीजिए कोई जो काम करने वाली है उनको वरीयता नहीं दी जाती, उनकी और अधिकारी की नहीं बनती, काम भले अच्छा करे, क्योंकि बनेगा उसके साथ जो पोषाहार बेच करके पैसे थमाएगा, उनकी अधिकारियों की ज्यादा बनती है, ये सच्चाई कहती है। तो ऐसे में आप सब जानते हो, तो हो सकता है यदि बुरा हो किसी आंगनबाड़ी के साथ, तो यहां पर वो चीजों को लेकर के आगे उनकी शिकायत करेंगी, उनकी कार्रवाई होगी, फिर कोर्ट जाएंगी, यही सब कुछ तनाव खींचेगा। तो मेरे ख्याल से अब यहां पर सरकार की मंशा कुछ गलत नजर आ रही है, या हो सकता है सरकार ही चाहती हो कुछ ऐसा भेदभाव वाला सिस्टम करो जिससे फिर से ये सब कुछ लटक जाए, ये सब कोर्ट जाए, ये सब कहां कितना खींचेंगे क्या होगा, या फिर अधिकारी ये जानबूझ करके कर रहे हैं कि अपना पेट भरेगा, ऐसा सब कुछ जब अपने हाथ में पावर आएगी तो लोग जो दौड़कर मेरे पास आएंगे। तो हो सकता है इन चीजों को लेकर के आगे क्या चल रहा है माजरा, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए छोटी सी ये टेंशन समझ सकते हो जो भी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे मेरी नजर में, क्योंकि इससे काफी दिक्कतें होंगी। जो यहां पर पावर में है या जो जैसा है अधिकारियों के साथ, शायद उसको मदद हो जाएगी, और ऐसे में बहुत सी योग्य बहनें बेचारी रह सकती है। तो यदि कहीं पर भी तनिक भी कुछ गलत होगा तो विरोध जरूर होना चाहिए। सभी यूनियन वाले भी, हमारे भाई बहन जो है वो भी अपना ध्यान आकर्षित करें इन बातों की तरफ, इनमें बहुत सच्चाई है, बहुत समझना है। मैं बहुत दूर की सोच रहा हूं, जब आगे वरीयता दी जाएगी तो वहां पर भेदभाव ना किया जाए, पैसों की अधिकारियों के द्वारा मांग ना की जाए, ये सब कुछ मेरे ख्याल से यदि ना हो तो अच्छा है। जो बहने योग्य हैं, लेकिन योग्य में छांटने में भी दिक्कत आएगी, जैसा मैंने बता दिया, फोन की समस्या, फोन से काम करने की समस्या। तो आगे अब ले चलते हैं आप लोगों को एक यहां पर रितेश जी हैं और मिर्जापुर से, उनकी एक समस्या थी, लिखा था बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। 1986 में आंगनबाड़ी में भर्ती हुई थी, 2017 में आयु 50 वर्ष के इनकी माँ जी की जो है वो अंदर थी। ऐसे में ब्लॉक पर कागजात भी आ गए थे, प्रमोशन सूची के नाम भी जो है आया था, किंतु अभी भी सत्यापन नहीं हुआ है। तो अभी हमने बताया आपको कुछ महीने पहले सत्यापन के कार्यक्रम जो है चल रहे हैं, कुछ जनपदों में हो चुका है और कुछ जनपदों में नहीं हुआ है। नहीं होने का मतलब है कि आपके वहां के जो पहली बात सबसे बड़े अधिकारी डीपीओ महोदय, तो वो लापरवाह हो सकते हैं, शायद इसी कारण आपके वहां भी सत्यापन का काम नहीं चल रहा है। वरना सत्यापन के लिए जो आय कागजात हैं, तमाम तरह से बहनों जो तरह तरह जिले से अपनी जानकारी भेजती हैं, जो भी उन तक जो होता है, या ऑल इंडिया हमेशा रियल चीजें दिखाता है जो आंगनबाड़ी बहनों के सामने होता है। मैं अखबारों की कटिंग कम लाने की कोशिश करता हूं, आंगनबाड़ी के मैसेज और आप जैसे भाई बहनों की आवाज उनको लाने की कोशिश ज्यादा करता हूं, क्योंकि आप सब जो बताएंगे, आपके साथ जो हो रहा है,
वो सच्चा हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को बताना चाहेंगे 2017 वाला ही प्रमोशन है और कोई ये सत्यापन वाला मतलब और कोई जानकारी नहीं है। 2017 की अभी प्रक्रिया चल रही है, उसी के बारे में सब कुछ खेल चल रहा है और अभी सत्यापन हर जगह नहीं है, यही भी समस्या है। और अब एक नया अड़ंगा ये आ गया परफॉर्मेंस का, तो इसे भी आप लोग नजरअंदाज मत करिए, सोचिए समझिए और अपना दिमाग लगाइए कि क्या इससे अच्छा होगा, लाभ होगा या फिर हानि होगी। लाभ उनको होगा जो अधिकारियों के साथ घुले मिले अच्छे से हैं, उनको होगा, लेकिन बहुत सी बहनें उनका यहां पर नुकसान भी होगा। तो आगे आपको बता दें यहां पर बहुत से भाई बहन ऑल इंडिया पर जो कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और कुछ ऐसे भी लोग कमेंट करते हैं उनको भी दिल से धन्यवाद। इन्होंने लिखा है डॉक्टर शायद और विनोद कुमार जी हैं, अब इनकी हमें समझ में आती है ये वाला वीडियो 15 जून का सुबह का वीडियो। आप सबको पता है मैंने इसमें क्या लिखा था कि जो है यदि पोषाहार का जो है राशि लाभार्थी के खाते में जाने से इन आंगनबाड़ी बहनों को क्यों इतनी खलबली मची है। साथ ही आपको यह भी बताया था कि देखिए आंगनबाड़ी की जो है ये गलत कर रही है या सही कर रही है, कहने का मतलब डीबीटी व्यवस्था का विरोध कर रही थी कुछ बहनें और कह रही थी तमाम रीजन दे करके, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था और वीडियो आप सबको पसंद आया था, तमाम राज्यों के भाई बहनों को पसंद आया। यकीन नहीं है तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट में जाइए, हर कोई कहता है कि पोषाहार बंद हो और अच्छी व्यवस्था लागू हो डीबीटी की, जिसका हक है उसके खाते में जाए, हमारे ऊपर पोषाहार चोरी के इल्जाम नहीं लगेंगे, कि तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन इन्होंने उस पर लिखा है आपका न्यूज फेक है। अब भाई आप सब क्या बताएं कि मेरा न्यूज ये फेक है? यदि फेक होता मैंने 2 महीने पहले ही आप लोगों को बता रखा था लॉकडाउन जब स्टार्ट था कि आपका बिहार सरकार डीबीटी के लिए यहां पर सब कुछ मांग रही है और खाता संख्या वगैरह, आगे वहां पर पोषाहार बंद होगा और डीबीटी व्यवस्था लागू की जाएगी, सीधा लाभार्थी के खाते में पैसे। और आज वो समय भी आ चुका है, वो सब कुछ सच भी है, सरकारी आदेश भी निकल चुके, इतना हंगामा भी है, इतना सब कुछ चर्चाओं में है, फिर भी इनके जैसे विनोद जैसे लोग कह रहे हैं कि आपका न्यूज फेक है। वाह भाई वाह, धन्यवाद बहुत बहुत आपको कि आप इतनी हेट फैला रहे हो, यानी जो सच है उसको आप झूठ कह रहे हो और जो YouTube पर झूठ भरा पड़ा है वहां पर जाकर के आप लोग यदि ऐसा समय अपना दिखाएं जाकर के तो शायद वहां पर बहुत से लोगों को समझ आएगा, ये सच्चाई को आप झूठ में बदलने आए हो, आपकी पता नहीं क्या मनसा है। आगे उन्होंने ये भी लिखा आप सभी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार का आवाज उठाते हैं, लिखा आप कभी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार का आवाज उठाते हैं। भाई जितना आवाज ऑल इंडिया उठाता है, आप यहां YouTube तो छोड़ दीजिए, मैं बाकी बड़े टीवी चैनल की बात कर रहा हूं, बड़े अखबारों की बात कर रहा हूं, आप किसी के भी पास चले जाइए आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो ऑल इंडिया कर रहा है ना वो और कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। यकीन आपको हो या ना हो वो मैं यकीन दिला नहीं सकता, वो आपको करना पड़ेगा। और इसके बारे में लिखा है चर्चा कीजिए 5600 बिहार की सेविका का जो है अपना पेट नहीं भरता, इतना ही पैसा उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश से मैं भी हूं, तमाम राज्यों में ऐसा ही है, हर एक राज्य में आप लोगों ने देखा, अभी झारखंड में भी आपने स्थिति देखी 3 महीने धरने के बाद सरकार सत्ता में, वो भी अपने वादों से पलट गए, कितनी आवाज ऑल इंडिया उठाएगा। उत्तराखंड की बहनों के लिए आपने क्या नहीं देखा, 2-2 महीने सर्दियों में धरना किया ऑल इंडिया ने, उनकी जहां पर आवाज दिखाई, हर बहन की आवाज जो हम तक आती वो मैं दिखाता हूं। रही बात बिहार की, तो इन जैसे भाई को शायद पता नहीं है ये गलती से आ गया ऑल इंडिया पर, इनको तो झूठी खबरों में होना चाहिए था, क्योंकि आप सब जानते हो बिहार से जितने भी आदेश आते हैं, जितनी भी आवाज होती है, उनकी मांग होती है, यूनियन के मांग पत्र होते हैं, सही जो भी चीजें होती हैं उनको भी ऑल इंडिया दिखाता है। लिखा है परिवार यहां पर लिखा नहीं भर्ती है अपना जो है परिवार क्या लेंगे इसके लिए आवाज उठाए, सॉरी अभी मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ता ताकि समझ में आए, 5600 बिहार की सेविका का अपना जो पेट नहीं भरता है और अपने परिवार क्या लेंगी और इसके लिए जो आवाज उठाएं। तो अब देखिए नीचे ये लिखा ऊपर लिखा खबर फेक है, यानी समझ से परे हैं ऐसे लोग जो बिना समझे जो है ऐसी बातें लिख देते हैं, चार लोग देखें तो शायद उनको लगे कि हाँ यहां भी ऐसे ही होता होगा, थोड़ा तो कम से कम समझ बूझ दिखाइए, जो है उसको सच कहिए, यदि सच की कहने की हिम्मत है, यदि नहीं है तो फिर आप कम से कम झूठ तो मत कहिए। आगे यहां पर हमारे पास एक कुछ मैसेज भी लगे हैं, कुछ लेटर आंगनबाड़ी बहनों के, ये यहां पर कांति देवी बहन है और दुदही कुशी नगर से, उनका कुछ लिखा हुआ मैसेज, भाई नमस्कार, मेरी तरफ से आपको बहुत ही अच्छे सच्चाई के साथ अच्छे खबर दिखाते हैं, भाई आप डीबीटी के बारे में आवाज उठाएं तो बहुत अच्छा हो रहेगा, आप इसके बारे में बोलें तो बहुत ही जो है खुशी मिलती है, और यह जो है घटिया किस्म की पुष्टाहार बंदी सरकार कर दे, जिसका हक है उसके पास जाए, इसके लिए सभी राज्यों की आंगनबाड़ियों को आवाज उठाना चाहिए, पुष्टाहार का ही जो है पुष्टाहार का ही देन है कि समाज में जो है बुरे नजर से हमको जो है लोग देखते हैं, जितना जल्द हो सके पुष्टाहार बंद हो जाए। आप देखिए सच्चाई, सच बोलने वाले बहुत हैं और
मुट्ठी भर लोग भले ही हो हमारा साथ देने के लिए, यदि मैं सच्चाई की राह पर चल रहा हूं मुझे उन मुट्ठी भर लोगों की ही जरूरत है, ऐसे फेक लोगों की जरूरत नहीं है जो लोग यहां पर मैं जब भी सच्चाई के लिए कुछ कहूं तो मेरा विरोध करने के लिए खड़े हो जाएं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये आगे चल के ये जो मुझे धोखा भी दे सकते हैं और आगे चल के जब मुझे जरूरत होगी इन सबकी तो यहां पर ये लोग साथ नहीं खड़े होंगे और इनके लिए आवाज उठाना बेकार है। तो जो सच्चे लोग हैं भले ही मुट्ठी भर है उनके लिए आवाज उठाओ, कल को धीरे धीरे शायद लोगों में और समझ आएगी, वो भी समझना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए बहनों की आवाज है हर जगह, बहन यही चाहती है। अगला मैसेज लगा हुआ सीमा सिंह बहन है, आंगनबाड़ी केंद्र आलापुर सेकेंड से कानपुर देहात में पड़ता है। तो उन्होंने भी एक मैसेज लिख करके लेटर कॉपी पर भेजा है उत्तर प्रदेश से। सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सीमा सिंह जिला कानपुर देहात ब्लॉक वगैरह सखन खेड़ा ग्राम वगैरह आलापुर सेकंड में कार्यरत हूं। भैया जी मैं आपके ऑल इंडिया न्यूज रोज शाम सुबह सुनती हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हम लोगों के लिए आगे से आगे खबरें लाकर दिखाते हो, हम लोगों की इतनी चिंता रखते हो। भैया जी मुझे आपके वीडियो व खबरों पर पूरा विश्वास है, मैं आपकी खबरों को जो है लाइक व शेयर भी करती हूं। और यहां पर लिखा है भैया जी बिहार में पोषाहार बंद हो गया है और भैया जी उत्तर प्रदेश में कब बंद होगा, जिस दिन यहां भी पोषाहार बंद हो जाएगा मुझे बहुत खुशी होगी, इस नौकरी में सबसे ज्यादा जो है टेंशन पोषाहार है। साथ ही देख सकते हो जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन सारा जो है लेथन खत्म हो जाएगी। भैया जी आपका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं, मैं आप जो है हमारे लिए इतना करते हैं भैया जी धन्यवाद। तो आप देख सकते हो ये बहनों का प्यार ये किस लिए, क्योंकि यहां पर मैं सच्चाई से आवाज उठा रहा हूं। जो मेहनत करने वाली बहनें हैं, जो इतना तो सभी को समझ है कि दिक्कत अभी इनको होगी, जो पोषाहार नहीं बांटती थी उनको पोषाहार बंद होने से दिक्कत होगी, कुछ अधिकारियों को हमारे सभी को होगी जिनको पोषाहार का पैसा आंगनबाड़ी के माध्यम से पहुंचाया जा रहा होगा, जहां जहां मांग रही थी कहीं 300 कहीं 400 कहीं 500। और बिहार में तो हकीकत ये तक मैं एक कमेंट मैंने देखा 1,000 रुपए पहले जमा करवा लेती उसके बाद पोषाहार भेजती है। अब सोचिए जो 1,000 आंगनबाड़ी जमा करेंगी क्या वो पोषाहार नीचे बच्चों को बांटेंगी, कभी नहीं बांटेंगी, वो पूरा पोषाहार भी उन्हीं को बेचना भी पड़ेगा तभी तो पैसे दे पाएंगी, वरना फिर नौकरी करने से क्या फायदा है। तो आप सब देखिए सच्चाई हर कोई जानता है कैसी क्या चल रही है, पोषाहार बंद होना बहुत ही जरूरी है। बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी के ऊपर से बहुत बड़ा एक तनाव का बोझ हट जाएगा और अमूमन हर एक बहन हर एक राज्य से कमेंट मैंने पढ़े हैं जो वीडियो देखती है, जहां से मैं खबरें तक नहीं दे पाता हूं, जैसे असम राज्य हो गया या आपके अन्य हिमाचल है हरियाणा है, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां से मैं जल्दी खबर नहीं ला पाता, जल्दी क्या मतलब ऐसे कभी कभी आ जाती है कहीं कहीं से उन्हीं बहनों के माध्यम से, तो मैं दे देता हूं। अभी जहां से मेरे पास बहनें आवाज उठा करके लेकर के वीडियो आती है अपनी खबरें आती है व्हाट्सएप पर, उन्हीं की खबरें लगाने के लिए मुझे जो है यहां पर समय कम पड़ जाता है, मैसेज इतने ज्यादा व्हाट्सएप पर आते हैं उनको पढ़ने में जो है समय चला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज मैंने ज्यादा यहां पर स्लाइडें नहीं रखी हैं, आप देख सकते हो साथ थी और अच्छी थी ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए और अच्छा भी लगे। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए एक खास चीज थी कि आप देख सकते हो अड़चने अड़ंगे जो बोले जाते हैं वो आपकी प्रमोशन प्रक्रिया में भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और नया वीडियो लेकर के हम कल सुबह आने वाले हैं और उसमें आपके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर के वीडियो रहेगा, आंगनबाड़ी के रिटायरमेंट को लेकर के वीडियो रहेगा, तो कल वीडियो का इंतजार करिए। और एक बात, कभी कभी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती है चैनल पर कुछ निकल फॉल्ट होने के कारण, तो इससे अच्छा कि आप लोग सुबह और दोपहर जब भी यानी कि आपको समय मिला करे आप जो है ऑल इंडिया सर्च कर लिया करो और यूट्यूब पर उसके बाद उस ऑल इंडिया पर चले जाया करो अपने चैनल पर, इतना पहचानना सीख जाओ और उसके बाद में वीडियो देख लिया करो कब कौन सा आ गया, या आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है बीच में होता है होम बटन किनारे होती है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए जहां पर आपने जो जो सब्सक्राइब कर रखे उनके वीडियो आएंगे तो उसमें देख लिया करो, पोस्ट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।